जिस तरह के चुनाव परिणाम आए हैं उनका मैं संक्षेप में उल्लेख करना चाहता हूं। तमिलनाडु में सुश्री जयललिता के नेतृत्व में एआईएडीएमके की वापसी ने चुनाव दृश्य के पर्यवेक्षकों को आश्चर्य में डाल दिया। कर्नाटक में श्री हेगड़े के नेतृत्व में लोक शक्ति के साथ हमारा गठबंधन परिणाम लाया है। उड़ीसा में श्रद्धेय बिजू बाबू के सुपुत्र श्री नवीन पटनायक ने श्री बिजू जनता दल के का उदय करके राजनीति की तस्वीर ही बदल दी। पश्चिम बंगाल में ममता जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस ने कांग्रेस तथा मार्क्सवादी दलों को मूल से हिला दिया। गुजरात में सिद्धांतहीन गठबंधन परास्त हुआ और जनता ने पुनः हमें अपना विश्वास दिया। कुछ प्रदेशों में हमें अपेक्षा के अनुसार सफलता नहीं मिली। हम असफलता के कारणों पर गहराई से विचार कर रहे हैं। कुछ दलों के साथ हमारा गठबंधन इस चुनाव को लेकर ही नहीं हुआ। इससे पहले हम उनके साथ मिलकर काम करते रहे हैं, सरकार चलाते रहे हैं। अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन केवल सत्ता के बंटवारे के लिए नहीं है। पंजाब में सैकड़ों साल से हिंदू और सिखों के बीच में जो भाईचारा चला आ रहा है उसको मजबूत करने के लिए है। अब पंजाब में सरसों की पीली फसल के ऊपर रक्त के लाल धब्बे नहीं दिखाई देते। पंजाब की शामों में गिद्धा सुनाई देता है। अभी बैसाखी का त्योहार आ रहा है, पंजाब मस्ती में झूमेगा। कांग्रेस दावा लेती है, कांग्रेस श्रेय लेती है पंजाब में आतंकवाद को परास्त करने के लिए, लेकिन जनता इस दावे को स्वीकार नहीं करती। अगर स्वीकार करती तो पंजाब में कांग्रेस की पराजय क्यों होती? हिमाचल प्रदेश में हिमाचल लोकदल के साथ हिमाचल विकास पार्टी के साथ हम मिलकर काम कर रहे हैं। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी और विकास पार्टी की मिलीजुली सरकार चल रही है। अब हरियाणा और पंजाब के बीच में पारस्परिक सहयोग की चर्चा होती है, विवाद के मसले नहीं उलझाए जा रहे हैं।